नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ जीनत सिद्दीकी। आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या पर इस बार ग्रहों का अद्भुत संयोग बना है। इस महासंयोग का लाभ लेने के लिए प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। देर रात से ही पवित्र स्नान करने का सिलसिला जारी है। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको लगातार मौनी अमावस्या से जुड़ी पल पल की खबरों से रूबरू कराएंगे और इसके लिए न्यूज 18 की टीम प्रयागराज कुंभ से हर तस्वीर लाइव आपके सामने लाएगी। इसके अलावा अन्य जगहों से भी हम आपको मौनी अमावस्या की तस्वीरें दिखाएंगे। शुरू करते हैं आज की ये खास कवरेज। तो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उमेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सर्वेश हमारे साथ जुड़ेंगे, शैलेश हमारे साथ जुड़ेंगे, नीतीश और निमिष हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ अनुपम मिश्रा और भारती सकलानी दोनों जुड़े हुए हैं। अनुपम और भारती, बहुत एक बुनियादी सी बात, जब इस तरह का जब आयोजन होता है, कार्यक्रम होता है, तो एक चीज़ आती है जहन में कि काश हम भी वहाँ पर होते। खैर, हम किसी वजह से नहीं है, लेकिन आप दोनों वहाँ पर क्या देख रहे हैं? अनुपम, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइएगा। बिल्कुल जीनत, आज का जो दिन है वो काफ़ी अहम दिन है। दुर्लभ संयोग बन रहा है, महासंयोग बन रहा है, और इस महासंयोग के साक्षी जाहिर तौर पर हम और भारती दोनों यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि 71 सालों के बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है जब सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, सर्वार्थ सिद्धि योग, विशिष्ट महोदय योग और साथ ही साथ श्रवण नक्षत्र हैं, तो आज का दिन काफ़ी अहम है और इस सब के साक्षी हम यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि आस्था के इस मेले में लुंगों का रेला है और मौनी अमावस्या के शाही स्नान पर देर रात से ही श्रद्धालुओं का जो स्नान करने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज 18 की ये महा कवरेज मौनी अमावस मंगलम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ नगरी प्रयाग से मैं और भारती आपके साथ सीधे जुड़े हुए हैं आज के इस पावन मौके पर, इस पावन धरा पर। न्यूज 18 आपको कुंभ के और मौनी अमावस्या के शाही स्नान के हर रंग से रूबरू कराएगा। हर वो तस्वीर आज दिन भर हम आपको दिखाएंगे, जिसलिए क्योंकि आज के दिन का वर्णन पुराणों में है। आज के दिन की जब हम बात करते हैं तो देवता भी इस दिन का इंतजार करते हैं और वो शुभ मुहूर्त है, शुभ घड़ी है, जिसका सबको इंतजार है। तो आप आज हमारे साथ बने रहिए। भारती, जो बातें हम लगातार कह रहे हैं, जाहिर तौर पर आस्था के इस मेले में आकर के जो अनुभूति होती है, जो दृश्य हम दिखाते हैं, वो सबको अपनी ओर खींचते हैं और ये कुंभ नगरी प्रयाग है जो आज सबको अपनी ओर खींच रही है। बिल्कुल, प्रयाग भूमि परमा पवित्रा, ये वो दृश्य है जिसके साक्षी बनने के लिए सभी लोग आए हुए हैं और यहाँ पर सुबह से ही शाही स्नान का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया और सब उसके साक्षी बनना चाहते हैं। हम देख रहे हैं अनुपम, किस तरह से उत्साह है, वो चमक है लोगों के चेहरों में, जिसके लिए वो इतना लंबा सफ़र तय करके प्रयाग की इस भूमि पर आए हैं, जहाँ पर हर कोई आना चाहता है और कुंभ में हर कोई स्नान करना चाहता है। तो एक बहुत बड़ी बात है और आज दिन भर ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि आज का दिन ये कहा जा रहा है अनुपम कि जो व्यक्ति भी यहाँ पर आता है और जो व्यक्ति भी यहाँ पर आकर स्नान करता है उसकी सभी मुरादें पूरी होती है। न्यून महोदय योग है आज, और वो योग जिसको कहा जाता है कि कई सालों के बाद वो आया है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे संवाददाता पल पल की प्रयागराज की तस्वीर दर्शकों को दिखाएंगे। तो न्यूज 18 लगातार दिन भर आपको हर एक तस्वीर प्रयागराज से, इस पवित्र भूमि से दिखाता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय आस्था है, विश्वास है, अद्भुत संगम है और इन सबके बीच कुंभ नगरी प्रयाग से न्यूज 18 की टीम इस खास स्टूडियो से यहाँ पर लाइव है। हमारे साथ जो ज्योतिषाचार्य हैं उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ आशुतोष जी हैं जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ ब्रजेंद्र जी हैं ज्योतिषाचार्य हैं, वो आज पूरी चीज़ों को बड़ी विस्तार के साथ समझाएंगे। साथ ही साथ शैलेश जो कि कुंभ नगरी प्रयाग में ही ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर स्नान होने हैं, अखाड़ों के स्नान भी होने हैं और साथ ही साथ श्रद्धालुओं का जो रेला यहाँ पर उमड़ा है, उनके स्नान करने का सिलसिला देर रात से ही शुरू हो चुका है। तो ऐसे में सर्वेश दुबे भी हमारे साथ सीधे कुंभ नगरी प्रयाग से जुड़े हुए हैं और तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर, हरिद्वार से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वाराणसी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अयोध्या पावन नगरी है वहां से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम सर्वेश के पास आएंगे। सर्वेश, जाहिर तौर पर आस्था के इस सबसे बड़े मेले में देश और दुनिया से लोग पहुंचे हुए हैं और हम भी जाहिर तौर पर कुंभ नगरी प्रयाग में रहकर इसके साक्षी बन रहे हैं। बताइए,
आज के शाही स्नान को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं, अखाड़ों का स्नान कितने बजे से शुरू होना है और आज के दिन का महत्व जिस तरीके से पुराणों में भी है, देवता भी मानते हैं, इस दिन का इंतजार होता है, वो शुभ घड़ी है। प्रयाग कुंड और मोक्ष की धरती है और यहाँ पर जब कुंभ का आयोजन हो रहा है, ऐसा संयोग बना है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो जन समुद्र उमड़ पड़ा है वो जन समुद्र देखने लायक है। यहाँ पर हर ओर से लोग आ रहे हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं और रविवार को रात 10:11:33 पर यहाँ पर मौनी अमावस्या का संयोग लगा था और उसके बाद से ही स्नान का क्रम देर रात से शुरू हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या का जो ये पावन पर्व है इसमें आस्था की डुबकी लगाने के लिए शनिवार से ही लोग यहां पहुंच रहे थे और कल ही 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली थी और ये आंकड़ा आज जो है 4 करोड़ को वो यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। अनेकता में एकता है, यहाँ पर कई संस्कृतियों का संगम हो रहा है और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो एक आस्था के साथ आ रहे हैं। जो जनसमुद्र यहाँ पर उमड़ रहा है उनमें एक आस्था है, विश्वास है और इस कुंभ के साक्षी बनने आ रहे हैं लोग। और अगर शाही स्नान की बात करते हैं हम तो शाही स्नान पहला जो है वो 5:15 महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा अपने शिविर से निकल चुके हैं और कुछ ही क्षणों में वो संगम तट पर शाही घाट पर पहुँचेंगे जहाँ पर उनका स्नान होगा। तो इस तरह से शाही स्नान की शुरुआत 6:15 से हो जाएगी तकरीबन और कुल जो है 13 अखाड़े हैं। सबसे पहले जो शैव अखाड़े हैं उनका स्नान होता है और अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले जो है महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा है, उसके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा और उसके बाद सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा और आवाहन और अग्नि अखाड़े जो है वो स्नान करते हैं और उसके बाद जो वैरागी अखाड़े हैं निर्मोही अड़ी अखाड़ा है, दिगंबर अड़ी है और इस तरह से जो है निर्वाणी अड़ी है, 3 अखाड़े हैं और उसके बाद उदासीन अखाड़ों का स्नान होता है, नया उदासीन अखाड़ा, बड़ा उदासीन अखाड़ा और उसके बाद जो सिख अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा है, उसका शाही स्नान होता है। तो इस तरह से ये स्नान का क्रम रहेगा और 6:00 से लेकर 4:00 तक करीब शाही स्नान होगा और शाही स्नान इसका भव्य होता है, इसी को देखने के लिए पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं। बिल्कुल सर, आएंगे और पूछ आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। शैलेश हमारे साथ हैं। शैलेश, जाहिर तौर पे हर तस्वीर अपने आप में अद्भुत है, हर तस्वीर कुछ न कुछ कह रही है क्योंकि ये ऐसा मेला है जहाँ राजा भी आता है, जहाँ फकीर भी आता है और जहाँ पर अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग जुबानों, अलग अलग वेशभूषाओं में लोग आते हैं और आज सबका जमावड़ा, सबका संगम प्रयागराज में है। शैलेश बताइए आज की तस्वीर क्या है और क्या कुछ वहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचे हैं क्या कह रहे हैं, वो किस तरीके से आस्था का माहौल है वहाँ पर? निश्चित रूप से अनुपम, ये जो जगह है प्रयागराज ये सिर्फ 3 नदियों का संगम नहीं है बल्कि देश दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों का संगम है और इसी वजह से इस कुंभ का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं और बढ़ जाता है। हमारे कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गंगा घाट के किनारे दूर दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आएंगे, करोड़ों की संख्या है। आज इन श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अब स्नान करके वापस भी आने लगे हैं, देर रात से ही स्नान का क्रम है वो शुरू हो चुका है और जो लोग स्नान करके आ रहे हैं उनमें भी एक गजब का उत्साह है, जैसे कोई बहुत बड़ा किला फतेह हुआ। निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है संगम में आज शाही स्नान के दिन आना और स्नान कर पाना, तो निश्चित रूप से सभी लोगों में काफी उत्साह है। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं और जानते हैं कि स्नान करने के बाद अब वो लोग क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, आप लोग स्नान करके आ गए? जी। क्या नाम है आपका? अमन प्रताप सिंह। कहाँ से आए हैं आप? देवरिया से हैं। ये बताइए किस समय स्नान किया आपने? करीब 2 बजे के आसपास। कब पहुँचे थे प्रयागराज? प्रयागराज रात में पहुँचे थे 11:11। तो अब स्नान के बाद क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है, BJP गवर्नमेंट और योगी मोदी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था करवाया है, अच्छा लग रहा है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, अनुपम जानेंगे उनसे भी। आप लोग भी स्नान करके आ गए? कहाँ, क्या नाम है आपका? गौरव सिंह। कहाँ से आए? गोंडा से आए हैं। ये बताइए गौरव जी, कैसा महसूस कर रहे हैं शाही स्नान का हिस्सा बने आज आप? बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी शानदार व्यवस्था यहाँ की गई है, इसे देख के काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। लग रहा है हमारी सरकार हम लोगों के लिए हर आपको 50-50 मीटर पे टॉयलेट की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, आपको भीड़ का अनुभव भी नहीं होगी। पहले कभी आपने स्नान किया है कुंभ में? जी हाँ। शाही स्नान पहली बार है या पहले भी? पहली बार है।
और भी देखिए आप अनुपम किस तरह का उत्साह है लोगों में, आप देख सकते हैं माथे पर लगा हुआ टीका और चेहरे पर दिख रहा उत्साह निश्चित रूप से बताने के लिए काफी है कि आस्था के इस सैलाब में डुबकी लगाने के बाद लोग कितनी गर्व की अनुभूति इस समय महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी विमल अवस्थी। कहाँ से आए आप? हम रायबरेली से। ये बताइए विमल जी, कैसा लग रहा है? सुबह सुबह स्नान किया है? बहुत ही अच्छा। क्या अनुभूति हो रही, कैसा महसूस कर? बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है। ये मानिए शाही स्नान किया है, ये ऊपर वाले की कृपा है और यहाँ देख करके इंतजाम कर वगैरह सब बहुत ही अच्छा, बहुत आनंद आ गया। तो आप देखा अनुपम के किस तरह से, और आप जहाँ भी नजर घुमाएंगे दूर दूर तक जन सैलाब आप दिख रहा है। ये जन सैलाब जो है ये सब आस्था, जितने लोग भी आप देख रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के, बड़ी संख्या जो वापस भी अब जाना शुरू हो चुके हैं, और आज एक अनुमान जो लगाया जा रहा है कि निश्चित रूप से करीब 4 करोड़ लोग शैलेश हम सुन पा रहे हैं, लोग भी कितने उत्साहित हैं यहाँ पर। और मौनी अमावस्या अनुपम, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि आज वो योग है जो कहा जाता है बहुत ही दुर्लभ संयोग है, और आज के दिन पुण्य की अगर आपको प्राप्ति करनी है तो दान किया जाए स्नान करने के बाद, उसका काफी महत्व माना जाता है। किन किन चीजों का दान करना चाहिए वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे, इसके अलावा कौन से वो दुर्लभ संयोग है जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं वो हम इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मौनी अमावस्या पर महासंयोग, ग्रहों की चाल से बना सुयोग, संगम में डुबकी से सर्वार्थ सिद्ध, नक्षत्रों ने बनाया महोदय योग, महोदय पूरी करेंगे मनोकामना। संगम नगरी में एक बार फिर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। एक बार फिर नागर साधु शान के साथ शाही स्नान के लिए निकले हैं। दुनिया एक बार फिर कुंभ का दिव्य दर्शन कर रही है। एक बार फिर संगम नगरी में आस्था की डुबकी लग रही है। इस बार तमाम पुराने रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि अनुमान है कि करीब 4 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, क्योंकि 71 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि संगम में डुबकी लगाने से आपको हजारों साल के स्नान का पुण्य मिलेगा। इस बार कुंभ में विशेष है कि 4 ग्रह एक साथ मिल रहे हैं। सूर्य चंद्रमा के साथ बुध और केतु भी मकर राशि में विद्यमान है। मौनी अमावस्या के दिन सोमवार होने के कारण सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है संगम पे दान स्नान के लिए। साथ में श्रवण नक्षत्र और सिद्धि योग लगा हुआ है, तो ये सब महोदय योग बना रहा है। दरअसल जिस वर्ष माघ की अमावस्या में वृश्चिक के गुरु और मकर के सूर्य होते हैं, उस वर्ष तीर्थराज प्रयाग में अर्धकुंभ का सुयोग बनता है। ग्रहों और नक्षत्रों की गणना के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन श्रवण नक्षत्र, व्यतिपात योग, सोमवार, सर्वार्थ सिद्ध योग होने से महोदय नामक महासंयोग बन रहा है। इससे पहले ऐसा सुयोग 9 फरवरी 1948 को बना था। महोदय योग का ये मतलब है कि श्रवण नक्षत्र और सिद्धि योग का जब ये कॉम्बिनेशन बनता है अमावस के दिन, और जब सूर्य चंद्रमा ये चतुर्ग्रही बनाते हैं, तो इस प्रकार का दुर्लभ योग बनता है। माघ अमावस्या के दिन सूर्य एवं चंद्रमा मकर राशि में और बृहस्पति वृश्चिक राशि में है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान, जप आदि का विशेष पुण्यकाल वैसे तो पूरे दिन रहेगा, लेकिन अरुणोदय से सुबह 7:58 तक विशेष मुहूर्त रहेगा। इसमें संगम पर स्नान, दान, तप, पुण्यार्जन का महात्म्य पद्म पुराण में भी बताया गया है। मौनी अमावस्या का संयोग बन रहा है, ये 3 तारीख रविवार की रात्रि से प्रारंभ हो रहा है। अमावस्या तिथि का संचरण रविवार 3 तारीख को रात्रि 11:20 से होगा। अमावस्या लगते मान लोग स्नान करना प्रारंभ करेंगे, जो कि 4 तारीख दिन सोमवार मौनी अमावस्या, जिस दिन सोमवती अमावस्या है, रात्रि 1:23 तक ये दुर्लभ संयोग रहेगा। मौनी अमावस्या पर श्रवण नक्षत्र होने से सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसके साथ व्यतिपात योग होने से ये महोदय नामक योग का भी निर्माण कर रहा है। मान्यता के अनुसार 1 करोड़ सूर्य ग्रहण के बाद स्नान और दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो इस योग में एक बार संगम, गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा मैया का जल अमृत बन जाता है, इसलिए माघ स्नान के लिए मौनी अमावस्या विशेष होती है।
स्थायित्व की प्राप्ति चाहते हैं वो कुछ स्पेसिफिक टाइम पे अगर उसमें स्नान करते हैं, माँ गंगा में स्नान करते हैं, जैसे कि कुंभ लग्न 7:05 से 8:56 सुबह है, तो उसके बीच में मध्यकालीन स्नान करेंगे तो उससे उनको जैसे कि लग्न मैंने बताया कुंभ, और कुंभ कलश से ही हमारे कुंभ महापर्व जुड़ा हुआ है, तो वो सारा जो फल है महाकुंभ में अमृत वर्षा वाला जो फल है वो इस लग्न में स्नान करने से मिलेगा। साथ ही एक अभिजीत मुहूर्त होता है 11:30 से 12:30 तक, अगर उसके बीच में वो स्नान करते हैं अभिजीत मुहूर्त में तो उन्हें अभिजीत मुहूर्त का जो पुण्य प्रताप होता है, सबसे बड़ा मुहूर्त माना गया है, उसका फल उनको मिलता है। साथ ही कुछ लग्न और भी हैं जैसे कि वृष लग्न 11:41 से 1:37 तक दोपहर में अगर स्नान करेंगे तो उन्हें स्थायित्व की प्राप्ति होगी। इस दिन व्रती को मौन धारण करते हुए दिन भर मुनियों जैसा आचरण करना चाहिए। साधु संत ऋषि महात्मा सभी प्राचीन समय से प्रवचन सुनाते रहे हैं कि मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत तेज गति से दौड़ता है। मौनी अमावस्या का यही उद्देश्य है कि इस दिन मौन व्रत धारण कर मन को संयमित किया जाए। प्रयागराज कुंभ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो ये आपने सुना कि किस तरह से दान पुण्य करना चाहिए, क्या स्नान का शुभ समय है, क्या मुहूर्त है। अनुपम, यहाँ पर एक चीज़ और ये भी है कि जब हमारी बात हो रही थी पंडित जी से तो उन्होंने हमें बताया कि अगर आप छोटी सी इलायची भी अगर यहाँ पर दान करते हैं तो उसका 2 गुना और 3 गुना फल आपको मिलता है। तो बहुत ही महत्व है आज के दिन स्नान के बाद दान करने का। उमेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उमेश ने कुंभ कथा के जरिए हर एक वो रंग दिखाया है जिसकी यहाँ पर चीज़ है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि हम उमेश के पास चलें, उससे पहले हम एक बार अयोध्या की तस्वीर को जानना चाहेंगे क्योंकि पावन धरा है और वहाँ पर आस्था जिस तरीके से दिखती है, क्योंकि अभी आपने देखा कि सियासी माहौल अयोध्या को लेकर भी काफी गरमाया रहा। निमिश, आप बताइए क्या तस्वीर है, क्योंकि जिस तरीके से मौनी अमावस्या है, श्रद्धालुओं का रेला कुंभ नगरी प्रयाग में तो उमड़ा ही हुआ है, अयोध्या की तस्वीर आज क्या कह रही है? जी अनुपम, आज सुबह से ही स्नान दान का संयोग शुरू हो गया है, चूंकि आज महापर्व है, मौनी अमावस्या है, और ऐसे में आज का जो दान है वो ज़्यादा महत्व रखता है। जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और मौन रहकर माँ सरयू में स्नान कर रहे हैं, ये माना जाता है कि इस पूरे स्नान दान से कई यज्ञों के बराबर का पुण्य अर्जित करेंगे। इससे जीवन में कई जो आ रही बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। आज का एक महायज्ञ है या महापर्व इसको कहा जा सकता है। इसके लिए लोग काफ़ी दिनों से आस्था पे डूबे रहते हैं, क्योंकि माघ का दिन शुरू है और आज अमावस्या है। आज मौनी अमावस्या पे स्नान के दिन सोमवती भी लग रही है, क्योंकि आज सोमवार भी है, तो ऐसे में लोग स्नान करके मौन रह के दान पुण्य करेंगे और शिवालयों में जल चढ़ाएंगे। जी अनुपम, बिल्कुल बिल्कुल निमेश यहाँ पर बता रहे हैं। निमेश, इसके अलावा अगर हम बात कर लें, वहाँ पर इस स्नान का खास महत्व है और ये कहा जाता है कि जो भी पवित्र नदियों में आज के दिन स्नान करता है शुभ फल मिलता है। वहाँ पर आप बताइए तैयारियाँ किस तरह की गई हैं और इस वक्त क्या कुछ वहाँ की तस्वीर कह रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी खासी भीड़ है, सुबह से लोगों का, श्रद्धालुओं का तांता है जो सरयू में स्नान करने आ रहे हैं। घाटों पर सफाई की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई, लेकिन आज तक का ये कहा जा सकता है कि कोहरे का दिन सबसे ज़्यादा है। अब तक अयोध्या में इस तरीके का कोहरा नहीं गिरा था, तो जाहिर सी बात है श्रद्धालुओं को थोड़ी सी कठिनाई जरूर हो रही है, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालु सरयू में स्नान कर रहे हैं और माँ सरयू से स्नान करने के बाद अपने मनोकामना पूर्ति के लिए दान पुण्य और शिवालयों में जल चढ़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आज सुबह से, चूंकि ठंड भी ज्यादा है और माघ पूर्णिमा का आखिरी दिन है, और आज का जो रहे हैं कि वहां पर है वो आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। सर्वेश का हम रुक कर लेते हैं, सर्वेश लगातार हमारे साथ बने हैं। सर्वेश, ये बताइए कि अब शाही स्नान के लिए अखाड़े वहां पर पहुंच चुके हैं, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? Thank you.
भारती, हम सर्वेश के पास चलें। सर्वेश वहां पर हैं और जाहिर तौर पर जिस तरीके से कुंभ नगरी प्रयाग में लोगों का रेला है, श्रद्धालुओं का रेला है, जाहिर तौर पे कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं। उससे पहले हमारे साथ दो ज्योतिषाचार्य हैं, बृजेंद्र मिश्रा जी हैं और आशुतोष वाष्णेय जी हैं। आशुतोष वाष्णेय जी, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। जो आज का दिन है, जाहिर तौर पर पुराणों में भी इसका वर्णन है, देवता भी इस दिन का इंतजार करते हैं और हर कोई इस अमृत वर्षा का इंतजार करता है जो आज के दिन होती है। आज के दिन का महात्म्य क्या है, किस तरीके से पुण्य लाभ मिलता है, किस तरीके से स्नान पर्व का महत्व क्या है, अगर आप विस्तार से हमारे करोड़ों दर्शकों को आप बता पाएं, क्योंकि न्यूज 18 देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है और आज हम इस खास कवरेज के द्वारा कुंभ नगरी प्रयाग से वो तमाम चीजें अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का जो पर्व है, ये मोक्ष का द्वार खोल रहा है संगम नगरी के, क्योंकि आज बहुत दुर्लभ योग बन रहा है। चार ग्रह एक राशि में है। अगर हम लोग चर्चा करें मकर राशि, मकर राशि जल तत्व प्रधान है और मकर राशि में जब सूर्य और चंद्रमा मौनी अमावस्या के दिन मिलते हैं तो दुर्लभ योग बनता है। इस बार अति दुर्लभ योग बन रहा है, क्योंकि मकर राशि में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार ग्रह एक साथ हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु, इन चार ग्रहों की युति मकर राशि में है। इसी के साथ महोदय योग बन रहा है, श्रवण नक्षत्र और सिद्धि योग है 7:46 तक। मौनी अमावस्या सोमवार के दिन पड़ने के कारण ये सोमवती अमावस्या भी कहला रही है। आज के दिन स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ, हवन, इन सब का विशेष महत्व है और संगम का तट तीर्थराज प्रयाग का क्षेत्र अक्षय क्षेत्र है। अक्षय क्षेत्र में आज के दिन कोई व्यक्ति दान करेगा तो उसका फल अक्षय होगा, जन्म जन्मांतरों तक उसको मिलेगा। तो जो संगम का क्षेत्र है, इस समय मौनी अमावस्या का जो दुर्लभ योग चल रहा है, ये मोक्ष का द्वार खोल रहा है। आज के दिन स्नान का इतना महत्व है, जो कोई व्यक्ति अगर आज के दिन तीर्थराज प्रयाग में आता है, एक डुबकी लगाता है, न केवल उसका कल्याण होता है, उसके पूर्वज भी तर जाते हैं। अगर किसी के माता पिता, दादा दादी दिवंगत हो गए हैं, वह आज तीर्थराज प्रयाग आता है मौनी अमावस्या के दिन, अगर एक उनके नाम से डुबकी लगाता है, तो शास्त्रों के अनुसार उसके पितरों को भी सदगति प्राप्त होती है, पितर भी तर जाते हैं। अगर कोई जीवित व्यक्ति उसके परिवार का है जो तीर्थराज प्रयाग नहीं आ पाया है संगम, अगर उसका नाम लेके भी उसके परिजन तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं, तो उनको भी घर बैठे फल मिल जाता है। इतनी महिमा है तीर्थराज प्रयाग। आशुतोष जी ने बताई और बृजेन जी भी हमारे साथ हैं। बृजेन जी, जो बातें आशुतोष जी ने बताई, जाहिर तौर पे जो व्यक्ति घर में बैठा है, जो इस वक्त न्यूज 18 नेटवर्क देख रहा है अपने घर पर, जाहिर तौर पे ये चीजें जानना बहुत उत्सुकता भी रहती है तमाम श्रद्धालुओं में जो घर पर रहते हैं, जो कुंभ नगरी प्रयाग नहीं आ पाए हैं। लेकिन हम चाहेंगे आप दर्शकों को ये भी बताएं कि सर्वार्थ सिद्धि योग, न्यून महोदय योग या तमाम जो चीजें हैं जिन बातों का हम वर्णन आज कर रहे हैं, सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, आखिर इन चीजों का पीछे के जो कहानी है क्या है, ये योग क्या है और किस तरीके से ये हम पर, तमाम जो श्रद्धालु आए हुए हैं उन पर एक प्रभाव डालते हैं, उसका क्या पुण्य है, क्या लाभ मिलता है। आज चंद्रमा सोम के रूप में हमें अमृत दे रहा है। सोम एक विशिष्ट प्रकार का अमृत है। कहा गया है कि कुंभ में के अवसर पर चार स्थल तो है ही हैं, चार प्रकार के कुंभ भी होते हैं, जिसमें एक में अमृत होता है, एक में दधि होता है, एक में सोम होता है। आज चंद्रमा पूरी तरह से हमारे मन मस्तिष्क पर हावी है। चंद्रमा हमें बल देता है। चंद्रमा की रश्मियाँ कुंभ में सोती हैं। आज प्रयाग कुंभवत हो चुका है। कुंभ साक्षात में एक ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड पूरी तरह से प्रकृति सेवित है। आज वट का और पीपल की भी पूजा की जा रही है। आज के जो कई संयोग बन रहे हैं, उस संयोग में सबसे बड़ा संयोग यह है कि रविवार से शुरू हुई अमावस्या न्यून महोदय योग देती है, जो सहस्त्र वाजपेय यज्ञ के फलों को हमें प्रदान करती है। आज दान का अपना महत्व है। प्रयाग में जैसे अभी भारती जी ने कहा कि अगर इलायची भी आपने चुपके से दान कर दिया है, तो उसके प्रतिफल में हम तांबूल दान का बड़ा महत्व है। आज के दिन कन्यादान, कन्यादान का मतलब होता है कन्याओं को कुछ दान दिया जाना,
बहुत फलवती होता है। इसके साथ सैयादान जो लोग करते हैं वो दो प्रकार के सैयादान करते हैं, एक तो पितरों के लिए करते हैं, एक अपने कलवास की पूर्णता के लिए देते हैं। भारती, और ये तस्वीरें बताती हैं, वैसे तो हम प्रयाग का जब जिक्र करते हैं या प्रयाग की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रयाग नगरी है, कुंभ है, लेकिन चलता फिरता प्रयाग क्या है वो ये है, ये तस्वीरें हैं चलते फिरते प्रयाग की, जिसका वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी किया है कि अगर कहीं साधु संत आपको एक रेले में दिख जाते हैं तो वो देखना ही एक मंगलकारी है और वो चलता फिरता प्रयाग है। और जब ये सारी चीजें हमें संतों को देखना और ये सारी चीजें हमें प्रयाग के कुंभ के मेले में दिखती हैं तो क्या कहना फिर। बिल्कुल, और अनुपम दिव्य तस्वीरें जिसे कहा जाएगा, और हम एक माध्यम बने हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, तो ये हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर दर्शक घर बैठे देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 के जरिए। पंडित जी, आप भी यहाँ पर ये बात बता रहे थे कि किस तरीके से पुण्य यहाँ पर मिलता है और कन्यादान का विशेष महत्व होता है, आज अगर उनको कुछ दान किया जाए वो किस तरीके से शुभ फलदायी होता है वो भी आप जोड़ दीजिए। कन्यादान, जैसे मैंने अभी कहा कि कन्याओं को, विशेषकर जो 8 वर्ष की कन्याएं हैं उनको अगर आप कुछ भी देते हैं तो उससे आपके साथ प्रचुर लाभ मिलता है। हमें पूरी यहाँ पर जो व्यक्ति स्नान करके निकलता है उसको देवता भी इस तरह देखते हैं जैसे रंग राजा को देखते हैं। प्रयाग एक ऐसा तीर्थ है जब श्रवण नक्षत्र मय चंद्रमा हो जाता है, सूर्य भी श्रवण नक्षत्र में होता है, आज 4 ग्रह श्रवणस्थ हैं, वो सब एक कुंभ में बैठे हुए हैं और वो सारी रश्मियाँ हमें सोम के रूप में प्रदान कर रहे हैं। इस समय जब हम दान करते हैं चंद्रमा हमारे हमें बल देता है और अपना सारा का सारा बल सूर्य में समाहित कर देता है, और जब सूर्य की रश्मियाँ प्रयाग के जल को तपाती हैं, सूर्य जब साक्षी बनता है इन दान का, तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है और हमारे पितरों को तो लाभ मिलता ही है, हमारी अगली पीढ़ियाँ भी, 7 पीढ़ियाँ भी इससे लाभान्वित होती हैं। हम प्रकृति के साथ पूरी तरह तादाद में स्थापित कर लेते हैं, प्रकृति के पूरे बल को लेकर के आगे बढ़ते हैं, हम जो शीत है हमारे अंदर उसको उष्णवत बना लेते हैं, ऊर्जावर बना लेते हैं, और सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा का पूरा बल लेकर के बृहस्पति का संकेत पाते हुए इस धरा पर, जहाँ सरस्वती हमें ऐश्वर्य और बुद्धि देती है, यमुना हमें शक्ति देती है, और कहा गया है कि गंगा का जल मृत नहीं होता है, अतः वो अमृत है। क्या बात है, बिल्कुल बहुत क्या बात कही है आपने कि अमृत होता है, और जाहिर तौर पर अमृत की वर्षा की जब हम बात करते हैं बृजेन जी तो मन ऐसा होता है कि आस्था में पूरी तरह से सराबोर हो जाता है। और जाहिर तौर पे आज न्यूज़ 18 की इस खास पेशकश में मौनी आवास मंगलम में जब हम ये सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं तो तमाम दर्शक भी घर बैठकर देख रहे हैं। हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगहों पर हैं, नीतीश हमारे साथ वाराणसी से हैं, काशी में आज मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर शाही स्नान तो प्रयाग नगरी में हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ और क्या कुछ तस्वीरें हैं। उमेश श्रीवास्तव कुंभ नगरी प्रयाग में ग्राउंड जीरो पर है, वहां क्या चल रहा है, और अखाड़े स्नान के लिए वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, उनसे भी हम ताजा तस्वीर तो दिखाई रहे हैं और क्या स्थितियां हैं वो भी जानेंगे। नीतीश बताइए, काशी में किस तरह की तस्वीरें हैं और मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान ध्यान पर्व सारी चीजों का संगम वहां पर भी होगा, क्या तस्वीरें हैं? अगर बात करें तो आस्था का सैलाब नजर आ रहा है, हमारे पीछे हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये भक्तों की भीड़ है जो देर मध्य रात्रि से, जब से मौनी अमावस्या का पुण्यकाल लगा है तब से ये भीड़ काशी के गंगा घाट पे जमा है। हम दशाश्वमेध घाट पे खड़े हैं अनुपम, और आप भीड़ देख सकते हैं, हर कोई यहाँ स्नान ध्यान दान करना चाह रहा है। अनुपम आपको बता दें कि चतुर्ग्रही संयोग है, इसके साथ ही आज सोमवती अमावस्या, सोमवार का दिन है, अमावस्या तिथि है, और मान्यता है कि आज के दिन जो भी भक्त नदी में और खासतौर पर गंगा जैसी पवित्र नदी में अगर स्नान करे, मौन रहकर स्नान करे, तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्त यहाँ अपनी ग्रह दशाओं को शुद्ध करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए स्नान कर रहे हैं, इसके साथ अपने पितरों को तारने के लिए भी यहाँ स्नान कर रहे हैं, और इसके साथ ही खुद के मोक्ष की कामना से स्नान कर रहे हैं। अनुपम मान्यता है कि अगर जो लोग प्रयाग में स्नान करने नहीं जा पाते हैं वो काशी के गंगा घाट पर आके दशाश्वमेध घाट पर और प्रयाग घाट पर स्नान करें तो उन्हें प्रयाग का पुण्य मिलता है, लिहाजा भक्त यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ एक पुरोहित भी मौजूद है जो यहाँ पे घाट पे जो भक्त हैं उनको स्नान ध्यान की परंपरा को करवा रहे हैं। आप अपना नाम बताइए।
जी, हमारा नाम ज्योतिषाचार्य कन्हैया तिवारी है। तिवारी जी, किस तरह का खास महत्व है, कौन सा दुर्लभ संयोग है और क्या हो रहा है आज के दिन, क्या हो रहा है यहाँ पे? आज यहाँ पे प्रयाग घाट काशी स्थित, चूँकि ये बाबा का जो स्थान है, काशी जो है ये पूरे पृथ्वी से अलग है। भगवान शंकर के त्रिशूल पे ये बसा हुआ ये पावन जो है धराधाम है। मरणम मंगलम यत्र सफलम तत्र जीवनम, यहाँ तो अब मरने के लिए जो मरने की इच्छा रखता है अपने मोक्ष की कामना हेतु यहाँ पे लोग आते हैं। और गंगा नदी का जो पवित्र जल है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आज कौन सा खास पर्व है और क्या हो रहा है? आज मौनी अमावस्या के पर्व पे सोमवती अमावस्या का जो है दुर्लभ संयोग बना हुआ है, जिसपे लोग और ये जो अर्धकुंभ लगा हुआ है, विशेष रूप से हम लोग प्रयाग घाट पे स्थित हैं और इस समय वर्तमान में जो प्रयागराज में जो स्नान चल रहा है उसका यहाँ पे फल मिलेगा। हम लोग प्रयाग घाट पे स्थित हैं, ये काशी का प्रयाग घाट है, तो यहाँ स्नान करने से प्रयाग स्नान का पुण्य यहाँ पे मिलेगा। ये अर्धकुंभ जो 6 साल दान क्या क्या होता है? दान में जो भी मतलब अपने घर से जो भी लोग चावल गुड़ तिल जो भी लोग ले आते हैं, तो एक माघ मास में, ये माघ का जो है अमावस्या में, तिल का सबसे अधिक महत्व है। और तिल जो है वो भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न है और तिल दान करने से जन्म जन्मांतर का जो है वो पाप समाप्त हो जाता है। स्नान ध्यान की विधि क्या है गुरु जी? स्नान ध्यान की विधि ये है कि हम अपने घर से जो है अपने मंगल कामना हेतु, अपने मोक्ष की कामना के लिए, अपने पितरों को तारने के लिए, चूँकि गंगा का प्रादुर्भाव पितरों को तारने के लिए ही हुआ है पृथ्वी पे, ठीक है। जो महाराजा दशरथ के जो वंशज थे उन्होंने तपस्या करके अपने 21 पीढ़ी को तारने के लिए गंगा को यहाँ पे लाया। और विशेष रूप से स्नान का अपना जो है घर से अपनी तैयारी करके जो लोग यहाँ पे श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे स्नान करने हेतु आए हुए हैं और स्नान कर रहे हैं, आपके सामने ही है। अनुपम, हम आपको गंगा घाट पे स्नान ध्यान का नज़ारा भी दिखाना चाहेंगे। ये भक्त यहाँ पे पहुँचे हुए और भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, मान्यता है। बिल्कुल, भक्तों की भीड़ हम देख रहे हैं और हर कोई पुण्य का भागीदार बनना चाहता है। हम देख पा रहे हैं तस्वीरें और हमने पंडित जी को भी सुना जिन्होंने महत्व बताया। उमेश का एक बार हम रुक कर लेते हैं प्रयागराज में, काफी देर से उनके पास बहुत ही सुंदर तस्वीरें आ गई होंगी अनुपम, एक बार हम उमेश का रुक कर लेते हैं। उमेश, ये बताइए कैसी है भीड़ और कितना है उत्साह? जी हाँ, देखिए भारती, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई, देव धनुज के नर नरसेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी की महिमा को प्रणाम है, प्रयागराज की महिमा को प्रणाम है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी प्रणाम है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का पावन स्नान है, आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व है और विश्व पूरा यहाँ पर एकजुट हो गया है। ऐसा लगता है कि वसुंधैव कुटुंबकम की जो भावना हमेशा से हिंदुस्तान कहता आया है, हमेशा से भारत कहता आया है, वो तस्वीरें आज प्रयागराज में देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर प्रयाग की महिमा का बखान चंद शब्दों में नहीं किया जा सकता और इसीलिए कहा गया है कि को कह सके प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ। प्रयागराज में जिस तरह से श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है, श्रद्धा का जनसमुद्र उमड़ पड़ रहा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि हमारे हिंदुस्तान में आस्था की जड़ें कितनी मजबूत हैं और हम कितने आस्थावान देश हैं और किस किधर माँ गंगा की भक्ति में लीन है। माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन दर्शन करके सभी पुण्य लाभ ले रहे हैं। निश्चित तौर पर ये छटा बिरली है, ये छटा अनुपम है और ये बताता है कि हम लोग कितने आस्थावान हैं। जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है और कदम दर कदम लोग बढ़ते जा रहे हैं। कांधे पर बच्चा है, सिर पर गठरी है और लगातार माँ गंगा से मिलने के लिए, माँ गंगा की गोद में जाने के लिए बेताब है। अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया है, अटल अखाड़ा सबसे पहले यहाँ पर स्नान कर रहा है, शाही स्नान शुरू हो चुका है। 5:15 बजे के आसपास अटल अखाड़े ने वहाँ से पेशवाई की थी और अभी अटल अखाड़ा यहाँ पर पहुँच चुका है और अटल अखाड़े में जितने भी साधु संत महात्मा
नागा साधु है, वो सब नाचते हुए गाते हुए हाथी पर सवार, ऊंट पर सवार और अपने माँ गंगा से मिलने के लिए इस कदर बेताब है कि मानो ईश्वर साक्षात यहाँ पर उनको दर्शन दे रहे हो। मानो उमेश, और हम देख रहे हैं तस्वीरें, शाही स्नान जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। रॉबिन का हम रुक कर लेते हैं, काफी देर से रॉबिन इंतजार कर रहे हैं, हरिद्वार में क्या कुछ तस्वीर है रॉबिन हमें बताएंगे। रॉबिन, ठंड कैसी है और जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, प्रयागराज की इस पावन धरा पर नहीं आ पाते हैं, वो हरिद्वार का रुख करते हैं, तो ये बताइए मौनी अमावस्या पर कैसी है देवभूमि हरिद्वार से तस्वीर। देखिए भारती, सीधी तस्वीरें गंगा आरती की इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। सही समय पे आपने हरिद्वार को जोड़ा है क्योंकि ठीक अभी गंगा आरती जो है वो शुरू हो गई है। गंगा आरती, हालांकि धुंध बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने मौसम का पूछा, धुंध बहुत ज़्यादा धुंध है और कैमरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आस्था का सैलाब हरिद्वार में भी उमड़ा है। आज मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर अलग अलग प्रदेश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पहुँचे हैं, वो महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं, राजस्थान से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग, मध्य प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आस्था का जैसा सैलाब की बात प्रयागराज में हो रही है तो उससे इतर अलग जो है नज़ारा हरिद्वार का नहीं है, वैसा ही नज़ारा यहाँ भी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए, धुंध बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ये आस्था ही है जो इन तमाम लोगों को अपने घरों से इतनी दूर हरिद्वार में खींच लाई है। उस आस्था की डुबकी लगाने के लिए ये लोग जो है अपने घरों से निकले और आज यहाँ पर पहुँचे हैं, हरिद्वार पहुँचे। रात को 2 बजे से ये लगातार जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस समय आरती जो है वो गंगा आरती शुरू हो गई है। उस आरती का गवाह बनने के लिए तमाम लोग इस समय हाथ जोड़े खड़े हुए आपको नज़र आएंगे। हालांकि जो लोग हैं, क्योंकि कैमरे के ज़रिए हमें वो दिखाने में थोड़ी दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है भारती, लेकिन लोग जो बिल्कुल, है बिल्कुल रॉबिन, साहित तौर पे धुंध है और ये धुंध अपने आप में एक आस्था का वातावरण, एक माहौल पैदा कर रही है और इस सूत्र में सबको बांधे हुए है, ये समझना होगा। आप हरिद्वार में हैं, कुछ काशी में हैं, कुछ प्रयाग में हैं और ये पूरा देश दुनिया को एक संगम, एक सूत्र में, क्योंकि यहाँ पर अगर सही सच में कहा जाए तो नदी हो, धर्म हो, दुनिया हो, इंसान हो, सबको एक सूत्र में पिरोकर इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हर कोई यही चाहता है कि उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। आशुतोष जी हमारे साथ हैं, लगातार तमाम चीज़ों को बड़ी विस्तार से, बड़ी सहज भाषा में समझा भी रहे हैं, उनके पास भी हम चलेंगे और उनसे भी चीज़ों को समझेंगे। भारती, क्या लगता है आपको, जो हम बात करते हैं नक्षत्रों की जुगलबंदी की, मौन व्रत की, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब हम किसी जगह पर जाते हैं, कहीं पर जाकर के आस्था को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, इतना बड़ा रेला लगता है, तो ये सारी चीज़ें हमको इतना प्रफुल्लित करती हैं। हरिद्वार में गंगा आरती चल रही है, एक बार फिर हम रॉबिन के पास चलेंगे। रॉबिन, गंगा आरती की तस्वीरें आप हमें दिखा रहे थे, हम चाहेंगे एक बार फिर, धुंध जरूर है लेकिन वो गंगा आरती तमाम करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचा रहा है। देखिए बिल्कुल, गंगा आरती की सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा अगर वो जूम करें थोड़ा सा, हालांकि धुंध बहुत ज्यादा है, लोग अभी भी गंगा में है और तमाम लोग उसके किनारे खड़े हुए हैं, घाट पर, हर की पैड़ी घाट पर खड़े हुए हैं और गंगा आरती इस समय चल रही है। जिस पुल पर हम खड़े हैं वहाँ का नज़ारा भी आपको मैं दिखाता हूँ कि हाथ जोड़कर लोग खड़े हैं और गंगा आरती का के में जो अपना हिस्सा बन रहे हैं, वो गवाह बन रहे हैं इस गंगा आरती का, मौनी अमावस्या का, क्योंकि बहुत दुर्लभ संयोग जैसा कहा जा रहा है सोमवार के दिन ये मौनी अमावस्या पड़ी है, तो उस दुर्लभ संयोग के चलते तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप गंगा आरती के दृश्य भी देख सकते हैं, तमाम लोग जो है जिस तरीके से यहाँ पर हाथ जोड़े पुल पर खड़े हैं, जो जहाँ था वो वहीं वैसा खड़ा हो गया। और अनुपम, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिस अनुशासित तरीके से इन्हें, किसी ने कहा नहीं है कि आप लोग कहाँ पर खड़े हो, कैसे आपको मूवमेंट करनी है, लेकिन बहुत अनुशासित तरीके से हर कोई आ रहा है,
वो गंगा में डुबकी लगा रहा है और वापस फिर अपने अपने गंतव्यों के लिए वो चले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आस्था के इस पर्व में तमाम लोग उस आस्था ही है जो हरिद्वार तक इन लोगों को खींच के लाई है। अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि भारत के अलग अलग स्टेट से यहाँ लोग पहुँचे, और ये सिलसिला रात को 2 बजे से शुरू हो गया था। जो ये यहाँ लोग आए हैं वो रात को 2 बजे से यहाँ पर पहुँच गए हैं और धीरे धीरे स्नान करके वो वापस अपने गंतव्यों के लिए जा रहे हैं। तो गंगा आरती फिलहाल अनुपम इस समय चल रही है। गंगा आरती की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें न्यूज 18 के दर्शकों के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गंगा आरती यहाँ पर चल रही है। एक पल के साक्षी बनने के लिए लोग घंटों वहाँ पर इंतजार करते हैं और इस एक तस्वीर को देखने के लिए वहाँ पर आप देखिए कितनी ठंड है वहाँ पर, कितना कोहरा है वहाँ पर, और उसके बावजूद लोग वहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस पल का गवाह बनने के लिए। शपथ दिलाई जाती है अनुपम वहाँ पर, जब ये तस्वीरें वहाँ पर देखने को मिलती हैं तो लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो इतने उत्साहित रहते हैं, ऐसा लगता है माँ गंगा को वो साक्षात वहाँ पर अनुभूति कर रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें वहाँ से सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश ये बताइए कि अब उजाला होने लगा है और हम लगातार देख रहे हैं रेला आ रहा है भक्तों का वहाँ पर प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए, आपके आसपास कुछ लोग मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करिए कैसा लग रहा है, क्योंकि आज वो क्षण है जो कहा जाता है बहुत ही दुर्लभ संयोग है आज। जी निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आप आए हैं और आज मौनी अमावस्या का जो ये संयोग है किस तरह से यहाँ स्नान किया आप लोगों ने और कैसा अनुभव कर रहे हैं। सर हम लोग खजुराहो से आए हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सारी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था को देख के प्रशासन की व्यवस्था को देख के हम लोग बहुत खुश हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है। किस तरह से आप लोग यहाँ पर आए हैं? सर हम तो यहाँ पे काम ही कर रहे हैं, सबको देखभाल करना है हमारा काम है। आप लोग यहाँ पर आए कैसे? मैं मध्य प्रदेश जिला जसपुर से आया हूँ। यहाँ की जो योगी जी ने व्यवस्थाएं की हैं ऐसी व्यवस्था हमने आज तक नहीं देखी है और हमें उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद दे रहे हैं। ये मौनी अमावस्या का अद्भुत संयोग इस बार बन रहा है, महोदय काल है, न श्रवण नक्षत्र है, इस नक्षत्र में आप यहाँ पहुँचे हैं, प्रयाग की धरती पर संगम स्नान किया है। कैसा अनुभव कर रहे हैं यहाँ? लगा अच्छा लगा, बताइए। MP बैतूल से आए हम लोग और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, मोदी जी एवं अपने योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और इतना अच्छा आज तक हमने कभी नहीं देखा। आप आई हैं, बताइए कहाँ से आई हैं? बैतूल से आए हैं। मतलब बहुत अच्छा स्नान हो रहा है, कामना को लेकर आई है, लग रहा है कि यहाँ वो हाँ पूरी हुई है। हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए माँ की गंगा की गोद में यहाँ पर बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं लगातार, और यहाँ पर जो जन समुद्र है वो दिखाई दे रहा है लगातार। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं उस रास्ते को जो संगम से लौटने का मार्ग है, वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर संगम की तरफ लौटने वाला मार्ग जो है वो सर पर लोग गठरी लिए हैं, हाथ में झोला लिए हैं, लेकिन लोग चले जा रहे हैं और यहाँ पर जो जनसमुद्र उमड़ा है वो वाकई देखने लायक है। कोई इन्हें बुलाता नहीं है, कोई निमंत्रण नहीं देता है, और एक तरफ से ये कुंभ में जो लोग हैं वो साक्षी बनने आ रहे हैं इस महायोग के, और यहाँ पर जो है लोग स्नान करने पहुँचे हैं दूर दूर से, और ये पूरा जो जन समुद्र है वो यहाँ पर उमड़ चुका है और मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व पर लोग आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। माँ गंगा ने इन्हें बुलाया है, ऐसा लग रहा है कि माँ गंगा से मिलने के लिए लोगों में उत्साह है। हर हर गंगे के यहाँ पर उद्घोष हो रहा है, ये नारे लग रहे हैं यहाँ पर, और माँ गंगा का स्नान करने के बाद लोग यहाँ पर दान पुण्य कर रहे हैं। और जो सोमवती अमावस्या कही जा रही है सोमवार के दिन पड़ने के चलते, इसका अद्भुत संयोग है और महोदय योग बन रहा है, श्रवण नक्षत्र है, सिद्धि योग है, तो तमाम नक्षत्र मिल रहे हैं। जिस जगह पर है तमाम श्रद्धालु जो स्नान करके निकल करके आए हैं, वो पुण्य लाभ अर्जित करके आए हैं, जैसा कि ज्योतिषाचार्य जी सुबह से लगातार तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं और सारी चीज़ों को हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा भी रहे हैं, चाहे नक्षत्रों की जुगलबंदी की बात हो या मौनी अमावस्या के महत्व की बात हो, तमाम पुण्य लाभ की बात हो। इस सबके बीच हमारे जो तमाम संवाददाता हैं जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, उमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश, मोक्ष की कामना के लिए प्रयाग में दूर दूर से लोग चले आते हैं और प्रयाग नगरी में खिंचे चले आते हैं, ये जो अद्भुत लगाव है प्रयाग के साथ हम देख रहे हैं कि लगातार देर रात से ही श्रद्धालुओं का रेला
संगम के तमाम घाटों पर है। अब अखाड़ों की पेशवाई जिस तरीके से पहले निकली, तमाम स्नान ध्यान सब परंपराएं शुरू हुई, अब आज की स्थितियां क्या हैं, आज की तस्वीर क्या कह रही है, वहां पर श्रद्धालुओं से भी आपकी बातचीत हुई होगी? बेहद ही अनुपम छटा है और पूरा का पूरा भारत यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, पूरा का पूरा भारत और विश्व कहे तो एकजुट हो गया है। और जिस तरह से कहा जाता है कि प्रयागराज की धरती पर लगता है कोई चुंबक है, प्रयागराज की धरती पर कोई मैग्नेट है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, और ये तस्वीरें गवाही देती है कि हम कितने आस्थावान देश हैं और किस कदर अपनी आस्था की जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं। प्रयागराज का ये चुंबक पूरे विश्व को खींच रहा है, कदम दर कदम लोग बढ़ते जा रहे हैं और माँ गंगा से मिलने के लिए बेताब हैं। माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन त्रिवेणी को प्रणाम कर रहे हैं। हम तो इन श्रद्धालुओं को भी प्रणाम कर रहे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। कोई मध्य प्रदेश से चला आ रहा है, कोई कर्नाटक से चला आ रहा है, कोई कन्याकुमारी से चला आ रहा है, कोई केरल से चला आ रहा है, समूचा हिंदुस्तान यहाँ पर आज प्रयागराज में इकट्ठा हो गया है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रयागराज की महिमा का बखान रामायण में भी किया गया है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, को कह सके प्रयाग प्रभाऊ कलुष कुंज कुंजर मृग राऊ, तो निश्चित तौर पर उसकी जो अविरल छटा है, जो मनोरम छटा है, मन को मोह लेने वाली तस्वीरें हैं और मन को आकर्षित करने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें बुजुर्ग माता जी चली आ रही हैं, अपने बच्चे को कांधे पर रख बैठाए हुए हैं, सिर पर गठरी रखे हुए हैं, और गठरी से भी लोग अपने कुटुंब की, अपने परिवार की पहचान कर रहे हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसा लगता है कि तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा संख्या इस वक्त हो गई होगी, क्योंकि कहीं भी तिल भर पैर रखने की जगह नहीं है। और जैसे आप जलकुंभी देखते हैं, जलकुंभी में कहीं जल नज़र नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ कुंभी नज़र आती है, कुछ वैसे ही कुंभ का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल छटा निराली है, अनुपम है, दिव्य है, भव्य है, अविस्मरणीय है, और ये छटा बहुत कुछ कहती है। जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है, वहाँ वहाँ तक श्रद्धा का ये सैलाब, श्रद्धा का ये जल समुद्र नजर आ रहा है। आस्था यहाँ हिलोरे मार रही है, माँ गंगा को लोग प्रणाम कर रहे हैं, चुनरी चढ़ा रहे हैं, सिंदूर चढ़ा रहे हैं और तमाम अन्य चीजें जो चढ़ा रहे हैं, मनोती मांग रहे हैं, और माँ गंगा से ये भी कह रहे हैं कि उनकी मनोती पूर्ण होगी तो दोबारा स्नान करने के लिए आएंगे। ये माँ गंगा का प्रताप है, ये माँ गंगा की कृपा है, ये त्रिवेणी की कृपा है, त्रिवेणी का प्रताप है कि यहाँ पूरा का पूरा विश्व एकजुट हो गया है। 7 समंदर पार से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और शाही स्नान यहाँ पर शुरू हो चुका है। मैंने आपको बताया कि अटल अखाड़े ने स्नान कर लिया है और शाही स्नान की तस्वीरों के बारे में क्या कहें। शाही स्नान जब आप देखिए, इन तस्वीरों में दर्शक देख सकते होंगे कि शाही स्नान की तस्वीरें कितनी भव्य है, कितनी दिव्य है। नागा साधु हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर शाही स्नान करने के लिए लोग आ रहे हैं और जो ये तस्वीरें हैं, विहंगम तस्वीरें कह सकते हैं। बिल्कुल, ये जो तस्वीर है अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। देश भर से कुंभ नगरी में लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। शैलेश के पास चलेंगे हम, शैलेश भी प्रयागराज में है और कुंभ नगरी में आस्था के इस सबसे बड़े मेले में वो भी मौजूद है। शैलेश, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आस्था के इस मेले में सिर्फ एक जगह नहीं, समूचे ब्रह्मांड से देखा जाए तो उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये रेला आज गवाही दे रहा है, एक संदेश दे रहा है यहाँ प्रयागराज से कि अब आने वाले वक्त में किस तरीके से समूचा ब्रह्मांड उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा, और उसका साक्षी, उसका गवाह आज प्रयागराज बन रहा है। निश्चित रूप से अनुपम, इस समय संगम के किनारे अगर हम बात करें, गंगा जी के किनारे अलग अलग रूप देख जो वहां पर इस जगह जगह यहां पर घाट के किनारे पूजन अर्चन चल रहा है।
तो यहाँ पर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ तकनीकी खामियाँ आ रही हैं अनुपम, जिस वजह से हम नहीं सुन पा रहे हैं उनको, लेकिन ये तस्वीरें दिन भर हम दिखाते रहेंगे। दान पुण्य का जो विशेष महत्व है वो हम लगातार बता रहे हैं। हमारे खास मेहमान ज्योतिषाचार्य लगातार बने हुए हैं और वो बता रहे हैं आज के दिन का जो महत्व है न्यून महोदय योग। एक बार फिर से हम उस पर लौटेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। बिल्कुल, देखिए न्यून महोदय योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, इन तमाम चीजों को विस्तार से हम समझेंगे। साथ ही साथ जो बातें मैं लगातार कह रहा हूँ कि मौन व्रत की बात करें, ऋषभ देव का भी यहाँ पर जिक्र हम करेंगे आने वाले वक्त में, और मौनी अमावस्या को लेकर के किस तरीके से कहानी है, पुराण क्या कहते हैं, तमाम देवता इसके बारे में क्या कहानियां हैं, उन चीजों के बारे में भी बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी दर्शकों को बताएंगे कि आखिर आज प्रयागराज से कौन सा ऐसा बड़ा संदेश है जो समूचे देश में, दुनिया में जा रहा है। मौनी लगातार दिखाते रहेंगे। छोटे से